समुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बड़ा तसला धोकर, यहाँ पर इसे तसला कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। और मैंने ले लिया है 4.5 kg दही और मैं इसमें डालूँगी 1.5 लीटर के लगभग पानी, और बाद में भी मैं 1.5 लीटर पानी डालूँगी, 1 लीटर बाद में भी डालूँगी पानी। अब मैं इसमें मथनी को लगाकर सिर्फ 4 मिनट तक के लिए ही रखूँगी। गांव में सुबह सुबह ही मंठा निकाला माहा जाता है, क्योंकि सुबह निकालने के बाद जिसको खाना होता है वो खा पी लेता है। ये सब काम हम लोगों को सुबह ही करना पड़ता है। देखिए मैंने इसमें मशीन लगा दी है और इसे मैं सिर्फ 4 मिनट तक ही चलाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग अगर मुझसे जुड़ते हैं तो मैं गांव से जुड़ी हर तरह की रेसिपीज लेकर आऊँगी और गांव में कैसे रहते हैं वो भी मैं आपको दिखलाऊँगी। देखिए मैंने मोटर को कर दिया है ऑन, अब 4 मिनट हो चुके हैं, मैं बंद कर कर इसे दिखलाती हूँ। मेरा मक्खन लगभग निकल ही चुका है, बस 1 मिनट तक और मैं इसे चलाऊंगी। 1 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको दिखलाती हूँ। देखिए पूरा मक्खन निकल गया है, मैं इसे निकाल कर दिखलाती हूँ। इस पतीले में ही पानी में ही मक्खन निकाल मक्खन को पानी में ही निकाला जाता है, निकाल कर उसे धोकर रखा जाता है। मैं मशीन को धोकर साफ कर लूँगी। वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं है, मेरे पास स्टैंड नहीं है, मैंने गेहूं के बोरे पर रख कर वीडियो बनाया है। मोबाइल को मैंने गेहूं के बोरे पर सेट किया था, उसी पर से मैंने वीडियो बनाया है, तो थोड़ी वीडियो ठीक नहीं आई है। देखिए मैंने मथनी को कर दिया है साफ और मैं मक्खन आपको निकाल कर दिखलाती हूँ। फ्रेंड्स मशीन से मक्खन निकालने में जितना समय नहीं लगता, इसमें सिर्फ 5 मिनट का ही समय लगता है, लेकिन जब मक्खन बन जाता है तो उसे हाथों से निकालने में कम से कम 7-8 मिनट का समय लग जाता है। धीरे धीरे हाथों से हिलाकर इसको निकाला जाता है। देखिए सब मक्खन को उठाकर धीरे धीरे इसे बांधना पड़ता है, नहीं तो ये अलग अलग रहते हैं, इसको ऊपर उछालने से बंध जाते हैं एक में। इसी तरह सारा मक्खन निकाल कर आपको दिखलाती हूँ। मक्खन निकालना भी बहुत सब्र का काम होता है, इसे आराम से निकाला जाता है धीरे धीरे। देखिए ऐसे ही हाथों से हिला हिला कर इकट्ठा कर 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 आराम से मक्खन को निकाला जाता है। आप मेरी अगली रेसिपी को भी ज़रूर देखिएगा, मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि मक्खन से घी कैसे बनता है। ये वही मक्खन है जो माखन चोर चुरा कर खाते थे, ये मेरी गाय का मक्खन है। कृष्ण भगवान को माखन चोर कहा जाता था, गांव में इसे लैलून कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप ज़रूर कमेंट में लिखकर भेजिएगा। देखिए मैंने पूरा मक्खन निकाल लिया है, अब मैं इसमें से थोड़ा छाछ, हम लोग यहाँ मंठा कहते हैं, कहीं कहीं छाछ भी बोलते हैं, निकाल कर खाने के लिए रख दूंगी, बाकी अपनी गाय को खिला दूंगी। देखिए मक्खन को निकालने के लिए बहुत सब्र से ऐसे ही हाथों को हिला हिला कर उसको इकट्ठा कर 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 निकाला जाता है, छोटे छोटे दाने के जैसे फैले रहते हैं ऊपर फैले रहते हैं, इसे धीरे धीरे इकट्ठा कर कर निकाला जाता है। तो आप सब मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मैं गांव से जुड़ी हर तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। देखिए मेरा मक्खन निकल चुका है, मैं इसमें से कुछ खाने के लिए रख दूँगी। मक्खन निकाल कर ये जो मंठा बनता है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे दोपहर में पीना और भी फायदेमंद होता है। गांव में इसे सुबह सुबह भी पी लेते हैं, कभी दोपहर को भी पीते हैं, तो सुबह ही निकाला जाता है।
नहीं तो धूप निकलने के बाद घी जो है तो एकदम गल जाता है तो जल्दी निकलता नहीं है। देखिए मेरा कितना मक्खन निकला, मेरा 4.5 लीटर ही दही था, 4.5 लीटर दही से मेरा इतना मक्खन निकला है। तो आप मेरी अगली वीडियो को जरूर